हाँ, पंजाब मेलियां दा देश है। इत्थे बहुत सारे मेले अते त्यौहार मनाए जाते हैं, जिन्हां विचों विसाखी का त्यौहार एक है। विसाखी का त्यौहार हर साल 13 अप्रैल को विसाख की संगरात वाले दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार का संबंध साढ़े धर्म, इतिहास अते सभ्याचार नाल है। इस त्यौहार को मनाने की विशेषता बहुपक्षी है। विसाखी के त्यौहार की इतिहासक महत्ता यह है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए निहत्थे भारतीयों को जनरल डायर ने गोलियां नाल भुन दिता सी। उह शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण लई इस दिन उन्होंने याद ताज़ा की जाती है। इस विच लगभग 20,000 लोग मारे गए सन। कई लोगों ने खूह में छाला मार दिया था, इसलिए जलियांवाले बाग में बने खूह को खूनी खूह भी कहा जाता है। विसाखी के मेले की धार्मिक महत्ता यह है कि इस दिन सिखा ने 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब के केसगढ़ स्थान पर भारी दीवान बुला के 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को पंच प्यारे को अमृत छकाया सी ते सिंघां दी उपाधि दिखी सी ते फिर आप ही उन्होंने तो अमृत छकिया सी। इसलिए इस दिन को खालसा पंथ की स्थापना दिवस वजो बड़ी ही धूमधाम नाल श्री आनंदपुर साहिब विखे मनाया जाता है। विसाखी के त्यौहार की सभ्याचार महत्ता यह है कि इस वक्त तक खाड़ी की फसल भाव कणक पक के तैयार हो चुकी होंगी है। किसान पक्कियां कणकों का शगन करते हैं, चारे पास विशिया कणक इस तरह दिखाई देती हैं जिवें खेतों में सोना विशिया हो। किसान इस दिन खुशियां मनाते हैं, इसलिए विसाखी के त्यौहार में किसानों का मेला भी कहा जाता है। इस त्यौहार को मनाने की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस दिन विक्रमी संवत शुरू होता है। खालसा संवत अनुसार इसनों साल का पहला महीना गिणिया गया है। इस दिन गुरुद्वारों में दीवान लगाए जाते हैं, ढाडी सिंह योद्धा दीयां वारां गाईयां जांदियां हन। इस दिन का महत्व गुरबाणी के आधार पर दसिया जाता है। वैसाख तिरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिछो हर सजन।